महिला कांस्टेबल सरिता तीन मैं महिला कांस्टेबल 314 सरिता यादव जो थाना कादरचौक बदायूं में तैनात हूँ। सर हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार हो रहा है, हमारे एसओ सर हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, हमें गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी से बोलते हैं सर, और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं सर। हमारे साथ की एक लड़की मोहिनी वर्मा जो इसी थाने में तैनात है, वो सीतापुर 15 अपने घर 15 तारीख को बिना रवानगी बिना अनुमति के गई थी और वो 17 तारीख में रात करीब 2 बजे लौटी, और उसे वो जब वो घर से लौटी तो सर वो बहुत ज़्यादा परेशान है, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा। हमने उससे उसके शरीर पर चोटों का निशान भी है, हमने उससे पूछा, हमारे पूछने पर उसने हमसे बोला कि ये मेरा निजी मामला है, तुम दखल दोगे तो मैं तुम सबको अच्छे से बता दूँगी। सर हम बहुत परेशान हैं, अगर कल को उस लड़की ने कुछ कर लिया सर हम उसके क्वार्टर में रहते हैं, सब कुछ सर हमारे ऊपर आ जाएगा। ये हमने अपने एसओ सर से सारी बात जाके बोली तो एसओ सर ने हमें डांट दिया कि बोला इस लड़की की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, तो हमने बोला हमें लिखित रूप में दो कि कुछ नहीं होगा, जाओ करवा लो जो करवाना है मेरा कप्तान से। सर हमें कप्तान सर के सामने भी नहीं जाने दे रहे हैं, यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा परेशान करा जा रहा है। मैं महिला कांस्टेबल पूजा 309 कादरचौक थाना जनपद बदायूं में तैनात हूँ। इस समय मैं मानसिक रूप से बहुत घबराई हुई हूँ, हमारे एसओ सर हमसे गलत व्यवहार करते हैं और उल्टे सीधे काम करते हैं करने के लिए जो नहीं करते हैं, इसलिए हमारा गैर हाजिर तस्करा और रपट लिखवाया जाता है जबकि ड्यूटी हम लोग पूरा करते हैं। और एक महिला कांस्टेबल मोहिनी वर्मा सीतापुर की है, इसको 15 तारीख को सुबह 7 बजे बिना रवानगी बिना अनुमति के भेजे थे घर, उसके बाद 17 तारीख को 2:30 बजे आई रात में, दरवाज़ा खोल लिया, देखी हाथों हाथों को चोट के निशान, पूछी मोहिनी क्या हुआ है तो बोली मेरे मामले में टांग मत तोड़ा वरना तीनों को बता दूंगी। हम लोग ऐसे सर से कहें सर ऐसे ऐसे बोल रही है, पूछे बहुत घबराई हुई है बस रोए जा रही है, तो ऐसे सर कहा अरे कुछ नहीं उसका मैटर है और तुम सब पूछो मत उससे, वो भी बहुत घबराई हुई है। तो हम लोगों ने कहा सर यदि इसने घबराई हुई है कुछ कर ली तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो ऐसे सर ने गाली देकर डांट के भगा दिया कि जाओ कुछ नहीं करेगी वो, और सुबह 8 बजे से रात शाम को 3 बजे तक रोज़ मीटिंग बैठ रही है ऐसे सर की और मोहिनी वर्मा की, पता नहीं क्या बात हुई है ऐसी। और रपट लिखाया गया एक अनुज नाम के लड़के पर, तस्कर डलवाया गया था 18 तारीख को दहेज के लिए कि लड़का शादी का दबाव बना रहा है हम पर और मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, उसके बाद ही पता चला कि उस लड़के का सुसाइड हो गया है। और ये बहुत ज़्यादा घबराई हुई है, इस हालत में कुछ भी कर सकती है, हम लोग एक ही आवाज़ में रह रहे हैं और हम लोग कप्तान सर से ऐसे सर से बात की वो कुछ नहीं कहे, तो हम कहे कप्तान सर से हमें मिलना है, मिलने भी नहीं दिया जा रहा, कल गया तो वहाँ के पी आर ओ हम लोगों को भगा दिया, और फिर यहाँ आए तो ऐसे सर बहुत बक्स लगी कि गए थे मुझे बाहर पर पैसों में क्या हुआ हो गए। तुम सबकी औकात है ऐसी कप्तान के सामने पेश होने का, बेहया बदतमीज लड़कियाँ कहना नहीं मानती है तुम सब। मैं महिला कांस्टेबल 1254 पूनम थाना कादरचौक बदायूं में तैनात हूँ। सर हमारे साथ यहाँ पर बहुत ही गलत बिहेव किया जा रहा है, हमारे एसओ सर बहुत हमारे साथ बहुत गलत बिहेव करते हैं। सर 15 तारीख को हमारे थाने की एक लड़की मोहिनी वर्मा 15 तारीख को अपने घर सुबह 7 बजे गई हुई थी बिना किसी अनुमति के, एसओ सर की भी कोई अनुमति नहीं थी, जीडी में भी कोई रवानगी नहीं थी, अपने घर गई हुई थी, और वो 17 तारीख को रात 2:30 बजे अपने घर से वापस आई है। सर आने के बाद उसके शरीर पर काफ़ी चोटों के निशान हैं और हमने उसे पूछा कि क्या बात है तो कुछ बता नहीं रही है। सर 18 तारीख को उसने जीडी में तस्करा डलवाया है अनुज नाम के लड़के के खिलाफ, सर उस लड़के से उसका पहले से अफेयर था, अनुज पुत्र राजेश कुमार गांव बुदनापुर थाना बिसवा और जिला सीतापुर का रहने वाला है, उसका पहले भी उसके साथ अफेयर था, मैंने सर पहले भी उसे एक बार यहाँ आवास पर पकड़ लिया था,
तो ये बात इस बात की शिकायत मैंने एसओ साहब से भी की थी, तो सर एसओ साहब ने मुझे ही उल्टा डरा दिया, धमका दिया कि लड़कियों की बात है ऐसे नहीं कहते ये और वो। सर मैं तब चुप रही, तब मैंने कुछ भी नहीं कहा। अब सर जिस दिन से वो लड़की 17 तारीख को वापस आई है तब से उसकी बॉडी पर चोटों के निशान है और सर इतना रो रही है और बहुत ज़्यादा बहुत मतलब ड्रामे कर रही है। और हमने उससे पूछा कि मोहिनी क्या बात हो गई है, तो हमें डरा धमका रही है कि तुम तीनों लोग कुछ बोलोगे तो मैं तुम तीनों को अच्छे से बता दूंगी। इस बात की शिकायत सर हमने एसओ साहब से की तो उन्होंने भी हमें कुछ नहीं उल्टा भला बुरा कह दिया। सर हमारे साथ बहुत बदतमीजी करते हैं, कुछ कहते हैं तो अपशब्द बोलते हैं, हमें कहते हैं कि जाओ। फिर हमने सर ये कहा कि हम आप ही हमारी नहीं सुनेंगे तो आगे हम कप्तान सर के यहाँ जाएंगे, तो हमसे सर ये कहा कि जाओ चले जाओ कप्तान सर के यहाँ, मेरा कुछ भी करवा लो, तुम तो एक नंबर की लड़कियाँ हो, मेरा कुछ भी नहीं करवा सकती हो और जो कुछ भी कराना है करवा लो। और सर हमसे बहुत ही गलत शब्दों का प्रयोग किया और हमसे पता नहीं क्या क्या करने की कहते हैं सर, हम उनकी बात नहीं मानते हैं तो हमें बहुत ही मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता है, परेशान किया जाता है सर। फिर हम कल 21 तारीख को ड्यूटी करने के बाद कप्तान सर से मिलने उनके आवास पर गए शाम को 6 बजे, तो सर हमें वहाँ भी किसी से पीआरओ वगैरह किसी ने हमें मिलने नहीं दिया कप्तान साहब से, और हमें वहाँ से भी भगा दिया। और सर थाने आके देखा तो हमने हमारी गैरहाजिरी लिखी हुई थी, गैरहाजिरी। फिर हमने वापसी की कहा तो ऐसे सर ने हमें बहुत बदतमीजी से कि आप वापसी करा के दिखाओ, और बहुत बदतमीजी से हमें बोला और गाली वगैरह दी हमें कि तुम तो एक नंबर की हरामजादी बया लड़कियाँ हो और तुम मेरा कुछ भी करा करा के बता दो, जाओ कप्तान के यहाँ पेश हो जाओ, कहीं भी पेश हो जाओ, मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो तुम सर। और हमें उस एक अकेली लड़की की वजह से बहुत परेशान किया जा रहा है, और हमारी ड्यूटी इतनी सारी ड्यूटी करने के बाद भी हमारा गैरहाजिरी तस्करा डाला जाता है, और उस लड़की का कुछ भी नहीं, रूम पर रहती है सारा दिन और ऑफिस में रहती है, और ऑफिस में कोई भी पहरे पर रहता है तो बोल दिया जाता है कि ऑफिस में कोई नहीं आएगा, सारा सारा दिन ऑफिस में निकल जाता है सर। हम कुछ भी आवाज़ उठाते हैं तो कोई भी, तो हमारे साथ बहुत गलत बिहेव होता है सर। और मेरे ही अकेले के साथ नहीं, हम तीन रहते हैं, तीन लोग रहते हैं सर आवास में। कल को इस लड़की को कुछ भी हो जाता है तो किसकी जिम्मेदारी होगी, कल को ये कुछ भी अपने आप को कर लेती है तो सर कौन जिम्मेदार होगा, हम सब लोग इसके साथ साथ रहते हैं, एक ही आवास पर साथ रहते हैं हम तीनों लोग, और सर कल को इसको कुछ भी हो जाता तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। हमने इस बात की भी कही तो ऐसा साहब ने कुछ नहीं किया, इसको कुछ नहीं हो रहा, इसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। हमने फिर ये बात लिखित में कहने को कहा तो हमें सर लिखित में भी मना कर दिया कि हम कोई लिखित में नहीं देंगे किसी को भी। और सर हमारे साथ कल बहुत ज़्यादा ही गलत बिहेव हुआ है, गाली वगैरह दी है ऐसा सर ने हमें कि एक नंबर की हरामजादी लड़कियाँ हो और तुम मेरा कुछ भी बेहया हो, मुँह दिखाकर चलिए मेरा कुछ भी करने गई थी।